अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें हमें लेप्लास फाइंड करना है। लेप्लास फाइंड करेंगे हम टी की पावर अल्फा का। ठीक हो गया। अब अल्फा पे कंडीशंस दे दी गई है कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन माइनस वन है, अल्फा माइनस वन से बड़ा होगा। ये कर लेंगे अल्फा ने टी की पावर अल्फा का लेप्लास। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हेंस फाइंड लेप्लास ने फाइंड करना है टी की पावर 5/2 का। हमने लेप्लास फाइंड करना है, इस पर लेप्लास की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। 0 to ∞ e की पावर माइनस एस टी, उसके बाद फंक्शन टी की पावर अल्फा डी टी। ठीक हो गया। लेप्लास हमने इस पर अप्लाई कर दिया, इसे 1 कह के छोड़ दें। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे कि हमारे पास जो एस टी है वो इक्वल है, कोई और नंबर ले लिया हमने यू, कि एस टी यू की इक्वल है। एस टी यू की इक्वल है तो फिर इसका मतलब टी किसके इक्वल होगा, यू ओवर एस के। ठीक हो गया। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास आएगा एस इक्वल डी यू ओवर डी टी। ठीक हो गया। डी टी को इधर लें, हमारे पास डी टी को इधर लें और एस को इधर लें, डी टी इक्वल आ जाएगा डी यू ओवर डी एस। ठीक हो गया। और फिर आगे इसकी लिमिट्स के लिए अगर देखें, लिमिट्स क्या आएगी, इसी में एस टी इक्वल यू करें, टी की जगह विद रिस्पेक्ट टी और टी की जगह अगर जीरो रखें तो ये हमारे पास यू किसकी इक्वल आ गया, जीरो के। ठीक हो गया। इसी तरह एस टी है इक्वल यू है, अगर हम इसकी जगह इन्फिनिटी रखें, एस टी की जगह इन्फिनिटी रखें तो इन्फिनिटी किसी से मल्टीप्लाई करें, इन्फिनिटी रहता है तो सॉरी यू है तो यू इन्फिनिटी है, मतलब लिमिट हमारे पास वही रहेगी। अब हम लिखेंगे इंटीग्रल 0 to ∞ ई की पावर माइनस एस टी किसकी इक्वल है, यू के, हमने यू लिख दिया। टी किसकी इक्वल है, यू ओवर एस के, हमने यू ओवर एस लिख दिया। पावर अल्फा है, हमने अल्फा लिख दी। डी टी किसकी इक्वल है, डी यू ओवर डी एस, नहीं सॉरी ये एस था, डी यू ओवर एस। ठीक हो गया। अब एस जो है इसमें कॉन्स्टेंट है, इधर एस की वैल्यू अल्फा पावर अल्फा, इधर एस की पावर 1 है, अल्फा में 1 ऐड हो जाए तो अल्फा प्लस 1 बन जाएगा, तो 1 ओवर एस की पावर अल्फा प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। अब ये चीज़ हमारे पास अंदर है, 0 to ∞ ई की पावर माइनस यू, यू की पावर अल्फा डी यू। ठीक हो गया। इतना हमने छोड़ दिया, इतना करके हमने छोड़ दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, इधर देखें ज़रा, हमारे पास गैमा फंक्शन होता है कि अगर गैमा एक्स होगा वो इक्वल होगा 0 to ∞ ई की पावर माइनस टी और टी की पावर एक्स माइनस 1 डी टी। ठीक हो गया। जो इधर पावर तो वो इधर बेस बन जाती होती है। इसी तरह अगर हम एक्स की जगह कर दें एक्स प्लस 1 तो ये क्या बन जाएगा, 0 to ∞ ई की पावर माइनस टी, टी की पावर एक्स प्लस की जगह एक्स प्लस 1 लिखेंगे, प्लस 1 इस माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ रह जाएगा एक्स टी। अब देखिए ये चीज़ जो है सेम ऐसी ही बन रही, ई की पावर माइनस यू, बस टी की जगह क्या आ रहा है हमारे पास, यू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टी की जगह हमारे पास यू आ रहा है तो मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, इधर विद रिस्पेक्ट टू यू हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ है एक्स और यहाँ पे है अल्फा, तो जहाँ एक्स है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अल्फा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर s की पावर अल्फा प्लस 1, और इस सारे की जगह क्या लिखेंगे हम, एक्स प्लस 1 है तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 1, क्योंकि यहाँ हमारे पास यू की पावर अल्फा है, अल्फा प्लस 1 गामा। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास लेप्लास आ गया है टी की पावर अल्फा का, ये इतना हमारे पास जो है हो गया। अब हमने ये चीज़ करनी, टी की पावर 5/2 पुट कर देते हैं, टी की जगह अल्फा की जगह 5/2 पुट, अल्फा इक्वल 5/2, तो ये क्या बन जाएगा, लेप्लास ऑफ टी की पावर 5/2 इक्वल आ जाएगा 1 ओवर s। 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7/2। 5/2 में 1 ऐड करेंगे आ जाएगा 7/2 गामा फंक्शन। ठीक हो गया। अब गामा फंक्शन हमारे पास होता है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी आगे एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। ठीक हो गया। एक्स प्लस 1 को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू इसे बाहर निकाल दो, इस 1 को खत्म कर दो, इसे बाहर निकाल दो और अंदर वही रहेगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 ओवर s की पावर 7/2 है, इसे हम कैसे लिखेंगे, 7/2 को लिख सकते हैं 5/2 + 1, पहले इसे इस फॉर्म में लिखना है ना, इस फॉर्म में पहले हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अब ये कैसे आएगा, 1 ओवर s की पावर 7/2 ऐसे ही है हमारे पास, ये 5/2 बाहर आ जाएगा और गामा फंक्शन के अंदर भी 5/2 आ गया। ठीक हो गया। अब इसे हम लिखेंगे 3/2 + 1, ये वैसे लिख लो, हम लिखेंगे इसे 3/2 + 1 लिख सकते हैं ना 5/2 को। अब इसे फिर से इसकी तरह करेंगे, 3/2 बाहर निकाल लेंगे और अंदर 3/2 रहने देंगे,
हमारे पास आ जाएगा 1/(s^7/2), 3/5/2 था पहले, अब 3/2 आ गया, फिर एक दफ़ा करेंगे फिर हमारे पास आ जाएगा 1/2 और अंदर आ जाएगा 1/2 और हमारे पास जो होता है गैमा 1/2 हमारे पास इक्वल होता है पाई स्केयर रूट पाई के, ठीक हो गया, इसके इक्वल होता है। तो हम इसे लिखेंगे 5 3 15, 15/2 2 4, 4 2 8, 8 s^7/2 और इसकी जगह क्या आ जाएगा स्केयर रूट पाई। ये हमारे पास t^5/2 का लेप्लास आ गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, हमने लेप्लास फाइंड करना है t^2 sin 8t का। जब हमारे पास t की कुछ पावर आ जाए तो हम क्या करते होते हैं, इसके आगे जो लिखा हुआ उसका लेप्लास फाइंड करते हैं। लेप्लास फाइंड करने के बाद t की जितनी पावर उतने डेरिवेटिव लेते हैं, वो -1 की पावर उतनी ही कर देते हैं। ये देखें, अगर t की पावर n है तो हम क्या करेंगे, इसका लेप्लास लेंगे और इसके लेप्लास का हम n पावर है तो n टाइम डेरिवेटिव लेंगे, साथ में -1 की पावर हम n लिखेंगे, ठीक हो गया। हम इसे लिखेंगे -1/2 डी का सेकेंड टाइम डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस और लेप्लास ऑफ sin 8t, ठीक हो गया। इसे वैसे ही रहने दे, पावर टू है तो माइनस तो खत्म हो गया, प्लस में चेंज हो गया। हम लिखेंगे सेकेंड डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, अब इसका लेप्लास फाइंड करेंगे। sin 8t का लेप्लास, ये हमें वैसे ही याद होना चाहिए, sin 8t का लेप्लास होता है a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हमने इसे डिफरेंशिएट करना है टू टाइम, पहले 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका सिर्फ एक डेरिवेटिव रह जाएगा, ए कांस्टेंट है ये वैसी रहा। इसका जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 2s² का डेरिवेटिव 2s आता है, -2s/(s^2) + a² की पावर 2 हो जाएगी, ठीक हो गया। हमने एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो ये आएगा, ठीक हो गया। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2as था, तो अब हमारे पास आ जाएगा -4s/(s^2) + a² का होल स्केयर। ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8 a² / s² + a² की पावर कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई, ठीक हो गया। एक चीज़ मिस हो गई, साथ में हमारे पास आना था s² + a² ये ठीक ही है, यहाँ पे गड़बड़ हुई है क्योंकि ऊपर s भी मौजूद था ना, यहाँ ऊपर s भी मौजूद था तो इसके डेरिवेटिव में यहाँ गड़बड़ मौजूद हुई है, यहाँ ऊपर s मौजूद था। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, -2a बाहर निकालेंगे, इस पे लग जाएगा हमारा प्रोडक्ट रूल, s² + a² की पावर 4 हो जाएगी, ये एज इट इज आएगा। इसका डेरिवेटिव s का आ जाएगा 1 क्योंकि -2a हमने बाहर निकाल लिया था, -s। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 4s² + a², ठीक हो गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -2a s² + a² इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, s² + a² कॉमन आ गया, अंदर रह गया हमारे पास s² + a² और ये रह गया -4s² / a² की पावर 4, ये पावर ए कटिंग होकर 3 रह गई। ये हमारे पास है -2a a² ये हो जाएगा 4 में से 1, -3s² / a² की पावर 3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2a 3s² - a² / s² + a² की पावर 3, ठीक हो गया। ये हमारे पास लेप्लास आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, हमने लेप्लास फाइंड करना है t² cos 8t। क्या करेंगे हम, इसे लिखेंगे t की पावर 2 है, हम -1 की पावर 2 लिखेंगे और इसका 2 टाइम डेरिवेटिव लिखेंगे, आगे लिखेंगे लेप्लास ऑफ t² के बाद बाकी जो सारी बचकी उसे लिखेंगे cos 8t। ये पावर 2 है तो माइनस तो खत्म हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा d^2/ds^2। इसका लेप्लास हमारे पास आएगा cos 8t का, ये देखें cos 8t का लेप्लास होता है s/s² + a²
एस ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो एक डेरिवेटिव खत्म होकर एक आ गया। इस पर लगेगा क्वेश्चन रूल, ये हमारे पास बन जाएगा एस स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 2 हो जाएगी। एस स्क्र प्लस ए स्क्र वैसे आ गया, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एस, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2s, तो ये हमारे पास बन जाएगा एस स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2s स्क्र ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 2 डी ओवर डी एस। ये बन जाएगा 2s में से s माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्र माइनस एस स्क्र ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 2। ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्वेश्चन रूल अगेन लगेगा। अब ये डेरिवेटिव साइड से ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा एस स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 4 हो जाएगी। ये एज इट इज आएगा एस स्क्र प्लस ए स्क्र का स्क्र, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस 2s, फिर माइनस ये एज इट इज आएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 4 एस इंटू एस स्क्र प्लस ए स्क्र। एस स्क्र प्लस ए स्क्र दोनों में कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेंगे और 2s भी कॉमन आ रहा है। एस स्क्र प्लस ए स्क्र और 2s कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, माइनस था इसका साइन चेंज, माइनस एस स्क्र माइनस ए स्क्र, माइनस था तो ये 2 भी था तो अंदर मल्टीपल में माइनस 2a स्क्र प्लस 2s स्क्र ओवर ये नीचे वाली वैल्यू एस स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 4, ये पावर 3 रह जाएगी एक इससे कटिंग हो गई। ये हमारे पास आ जाएगा 2s, ये 2 और 1 3 ए स्क्र, 2 में से 1 माइनस किए तो प्लस, ये माइनस का आएगा प्लस एस स्क्र ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र का पावर 3 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसे बाद में जैसे पहले लिखते हैं 2s इंटू एस स्क्र माइनस 3a स्क्र ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 3। ये हमारे पास लिप्लास आ गया है किसका, टी स्क्र कॉस ए टी का। अब हम आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, लिप्लास फाइंड करना है हमने टी साइन स्क्र ए टी का। अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज थी सारी हमारे पास साइन ए टी, साइन हाइपरबोलिक ए टी, कॉस ए टी, कॉस हाइपरबोलिक ए टी इस फॉर्म में थी, स्क्वायर किसी के ऊपर नहीं था, मतलब हमने इसका किस तरह स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह टी साइन स्क्वायर ए टी को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस 2 ए टी ओवर 2। अब हम इसे टी को अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर लेंगे, 1 ओवर 2 कॉमन आ गया, लेप्लास ऑफ 1 ओवर 2 सब में से कॉमन आ गया, माइनस 1 ओवर 2 लेप्लास ऑफ, सॉरी ये टी है, टी भी था, लेप्लास ऑफ टी कॉस 2 टी, कॉस 2 ए टी, सॉरी। ठीक हो गया। अब टी का लेप्लास हमारे पास क्या था, 1 ओवर एस, 1 ओवर 2 और साथ में 1 ओवर एस आ गया, माइनस 1 ओवर 2। अब टी भी है और कॉस ए टी भी है तो टी इनकी पावर जितनी है हमने माइनस 1 की उतनी पावर लिखी, डी उतना इसका डेरिवेटिव लिखा, 1 ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे लेप्लास ऑफ टी के आगे जो वैल्यू है उसे लिखेंगे कॉस 2 ए टी। ठीक हो गया। ये हमारे पास बन गया 1 ओवर 2 एस माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 ओवर 2 डी ओवर डी एस, इसका कॉस ए टी का लेप्लास हमारे पास क्या आएगा, एस ओवर एस स्क्र प्लस 2 ए का स्क्र हमारे पास क्या आता है, 4 ए स्क्र। ठीक हो गया। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना, ये हमारे पास वैसे ही रहेगा 1 ओवर 2s प्लस 1 ओवर 2, इस पर क्वेश्चन रूल लग जाएगा, एस स्क्र प्लस 4 ए स्क्र का स्क्र, ये वाली वैल्यू ऐसे एस स्क्र प्लस 4 ए स्क्र, एस का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब s वैसे, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2s। ठीक हो गया। 1 ओवर 2s प्लस 1 ओवर 2, ये हमारे पास बन जाएगा एस स्क्र प्लस 4 ए स्क्र माइनस 2 एस स्क्र ओवर हमारे पास है एस स्क्र प्लस 4 ए स्क्र का स्क्र, 1 ओवर 2 एस प्लस 1 ओवर 2 एस स्क्र प्लस 4 ए स्क्र का होल स्क्र। ये हमारे पास 4 ए स्क्र, इसमें से 4 ए स्क्र
माइनस टू में से वन माइनस किया तो माइनस एस स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आएगा टू एस इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसे करेंगे टू एस कैंसिल, ये इसे मल्टीप्लाई होगा एस स्क्वायर। इसका स्क्वायर हम ओपन भी करके लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करके लिख लेते हैं, एस की पावर फोर प्लस सिक्सटीन ए की पावर फोर प्लस एट एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस। अब इसका करेंगे टू, ये चीज़ कटिंग जो एस रह जाएगा, एस इससे मल्टीप्लाई होगा फोर एस ए स्क्वायर माइनस एस की पावर थ्री, ठीक हो गया। एस की पावर फोर, एस की पावर थ्री, एस की पावर फोर माइनस एस की पावर थ्री आ गई। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, वन का जो लप्लास तो वो वन ओवर एस, तो टी का लप्लास वन ओवर एस स्क्वायर हो जाता है, ये एस स्क्वायर आना है, यहाँ पे एस स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जब करेंगे तो ये तो ऐसे आ गया, यहाँ पे एस स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई होंगे, ये वैल्यूज़ जो है वह एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगी, ये एस स्क्वायर, ये एस की पावर फोर बन जाएगी। अब ये एस की पावर फोर से कैंसिल हो गई। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ रह गई सिक्सटीन ए स्क्वायर, ये एस स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी एस स्क्वायर ए स्क्वायर, हम लिखेंगे इधर सिक्सटीन, इन दोनों में, इन सब में से हमारे पास कॉमन भी आ रहा है फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ रह गया फोर ए स्क्वायर, ये एट और फोर ट्वेल्व, और फोर तो बाहर आ गया, ट्वेल्व थ्री ज़रूर होता है, प्लस थ्री एस स्क्वायर रह जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ गया था, ओवर टू एस स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कटिंग हो गया, हमारे पास टू रह गया, हमारे पास आंसर आएगा टू ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर प्लस थ्री एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, लेप्लास फाइंड करना है हमने टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू टी। हम लिखेंगे लेप्लास टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर वाले को हम चेंज कर सकते हैं, वन प्लस कॉस फोर टी ओवर टू में, ठीक हो गया। हमने इसमें चेंज इसलिए किया क्योंकि स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं थी हमारे पास, लैप्लास फाइंड यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर स्क्वायर हो उसका लैप्लास फाइंड करने का कोई फॉर्मूला वगैरह हमारे पास नहीं था, तो हमने क्या कर लिया है, इसे सिंगल यानी कि पावर में चेंज कर लिया है। अब हम इसे अलग अलग कर देंगे, वन ओवर टू लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन ओवर टू लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस फोर टी, ठीक हो गया। टी स्क्वायर का लैप्लास हमारे पास क्या आता होता है, टी स्क्वायर का लैप्लास जितनी पावर है उतना फैक्टोरियल ओवर उसकी पावर में ऐड करके एस की पावर आ जाएगी, टू में आया वन ऐड किया थ्री और साथ में वन ओवर टू ऐसी, ठीक हो गया। प्लस वन ओवर टू, अब इसका करेंगे पावर टू है तो हम लिखेंगे माइनस वन की पावर टू और सेकेंड डेरीवेटिव और इसका लैप्लास, लैप्लास ऑफ कॉस फोर टी, ठीक हो गया। ये हमारे पास टू का फैक्टोरियल आ जाएगा टू ओवर टू एस क्यूब प्लस, ये माइनस का स्क्वायर जब लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, वन ओवर टू सेकेंड डेरिवेटिव किसका लेंगे, इसके लैप्लास का, कोस का लैप्लास हमारे पास क्या आएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस टी का क्वेश्चन फोर है, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन आता है तो यहाँ सिक्सटीन आ गया। अब इसका हमने टू टाइम डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे देखिए पावर टू थी हमने डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे पावर टू थी डेरिवेटिव क्यों नहीं ली, क्योंकि टू के बाद इधर कोई वैल्यू ही नहीं थी जिसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक हो गया। ये सिर्फ सिंगल ही थी तो हमने सिंगल इस पर लगा दी, अगर आप लगाना चाहिए इधर वन है, वन का लैप्लास क्या था वन ओवर एस, आप वन ओवर एस लिख दें और वन ओवर एस का टू टाइम डेरिवेटिव ले तो हमारे पास यही आएगा टू, टू से टू कटिंग वन ओवर एस क्यूब हमारे पास आएगा, ठीक हो गया। इसे इतना लंबा करने से बेहतर था फिर मैंने डायरेक्ट ही जो हमारे पास था फॉर्मूला टी की पावर वाला निकालती हूँ मैं आप लोगों को, ये वाला लगा लिया। सिंगल अगर टी हो हमारे पास, उसके साथ कोई और हमारे पास फंक्शन मल्टीप्लाई ना हो रहा, सिंगल टी ही हो तो हम उसे क्या लिखते हैं, टी की पावर जितनी उसका फैक्टोरियल ओवर उसकी पावर में वन ऐड करके एस की पावर में लिख देते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया वन ओवर एस क्यूब प्लस वन ओवर टू, एक डेरिवेटिव ले लेते इसलिए इसके ऊपर और से एक डेरिवेटिव खत्म हो गया, इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, सॉरी क्वेश्चन रूल, एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन का होल स्क्वायर वैसे आ गया, एस का डेरिवेटिव वन माइनस एस वैसे आ गया, अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास आता है टू एस, वो हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब हम लिखेंगे वन ओवर एस क्यूब प्लस वन ओवर टू
पास डेरिवेटिव, ये हमारे पास बन जाएगा इसका स्क्वायर। ओपन करें तो इसका स्क्वायर नहीं है, सॉरी पावर वन थी, स्क्वायर सिर्फ नीचे ही है। ये हमारे पास बन जाएगा टू एस स्क्वायर है ना, टू एस स्क्वायर में से एस पहले लिख लेंगे 16 माइनस, ये टू एस स्क्वायर बन जाएगा, टू एस स्क्वायर में से एस स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, वन ओवर एस क्यूब प्लस वन ओवर टू। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर वैसे आ गया, इसका डेरिवेटिव माइनस टू एस आएगा, माइनस 16 माइनस एस स्क्वायर वैसे, ये वैसे आ गया। अब हम लिखना इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 4 एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 16 ओवर नीचे की वैल्यू का स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो 4 बन जाएगा। ठीक हो गया। 1 ओवर एस क्यूब प्लस इसमें से 16 एस स्क्वायर प्लस 16 कॉमन आ रहा है, 16 हमने कॉमन ले लिया, इसमें से 2 एस भी कॉमन आ रहा है, हमने 2 एस भी कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ रह गया 2 एस भी चला गया, ये भी चीज़ चलेगी, हमारे पास रह गया माइनस में ये माइनस एस स्क्वायर माइनस 16 रह गया। अब इसमें से ये चीज़ कॉमन चलेगी, इसमें से 2 भी चला गया, 2 रह गया, एस स्क्वायर एस भी चला गया, कैसे रह गया इसका 2 एस था स्क्वायर नहीं था, हमारे पास सिर्फ यहाँ पर माइनस 2 रह गया। माइनस 2 की वजह से इनके साइन चेंज होंगे, माइनस 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 2 को 16 से करेंगे 32, माइनस माइनस प्लस 2 को एस स्क्वायर से करेंगे 2 एस स्क्वायर बन जाएगा ओवर ये 2 और ये वाली वैल्यू एस स्क्वायर प्लस 16 की पावर 4, ये इसकी पावर रहेगी 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा एस क्यूब एस स्क्वायर प्लस 16 की पावर 3, ये चीज़ जो है इधर आएगी, हम इसका क्यूब जो है वो ओपन कर लेते हैं या फिर अभी ऐसे ही रहने देते हैं, एस स्क्वायर प्लस 16 का क्यूब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्यूब ओपन करने को हम रहने देते हैं। यहाँ रह जाएगा एस प्लस ये एस की पावर 3 से मल्टीप्लाई, ये एस था तो ये एस की पावर बन जाएगी 4, ये हमारे पास अंदर है 16 में से हाँ ठीक है, एस कॉमन आ गया था, मिस्टेक हुई है आई थिंक हमसे, इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया था ये एज इट इज़ आ गया, इसका डेरिवेटिव 2s आ गया, अब ये एज इट इज़ आ गया, इसका डेरिवेटिव 2s आता है, ये 4s बन गया, हाँ ये ठीक है। 2s के में से एस के माइनस के हमारे पास रह गया एस के, 32 में से हमने 16 ऐड किए तो हमारे पास बनेगा 48, ये हमने 48 लिख लिया। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया, एस की पावर 4 एस स्क्वायर माइनस 48। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका लिप्लास आ गया। आगे इसे अंदर मल्टीप्लाई करने, इसे ओपन करने तो काफ़ी लंबा चल रहा था, इसलिए मैंने इसे यहीं पे छोड़ दी, इसे आगे और करने की ज़रूरत नहीं, बस इसे यहीं पे छोड़ दे। ठीक हो गया। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज के 21 तक क्वेश्चन हो गए हैं, आगे 22 से जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं, उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।